ओके चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था. क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी क्रॉस प्रोडक्ट की, और हम इस एग्जांपल पे थे, कंपोनेंट वाले एग्जांपल पे थे, राइट. एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, अलोंग दिस वेक्टर, दूसरे वेक्टर के ऊपर कंपोनेंट निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट. तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है, और मुझे कंपोनेंट निकालना है, मुझे कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर. और मैंने आपको कंपोनेंट निकालना सिखाया था क्या, कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर ये वैल्यू ए है तो ये कंपोनेंट क्या निकल के आएगा, ए कॉस थीटा, और मेरा आंसर क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. और मैंने आपको बताया था कि अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता तो आई कैप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता तो जे कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होता तो के कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है तो बी कैप. तो मेरा आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू कितना, बी कैप. कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. अब ए कॉस थीटा और बी कैप में दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है. ए कॉस थीटा के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ. ए वेक्टर में ये वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की आई कैप टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, एंड बी वेक्टर में ये वैल्यू पुट करो डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मॉड, यानी कि वैल्यू मैग्नीट्यूड. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर. तो यहां से न्यूमिनेटर में अगर सॉल्व किया जाए ए कॉस थीटा में, तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो ये टर्म आएगी. इसको सॉल्व करके रूट इलेवन, ये आंसर आ गया. ऐसी अगर बी कैप निकाल लें तो बी वेक्टर लिखो, बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखो, तो इसको सॉल्व करोगे रूट इलेवन. तो बी कैप को बी कैप की जगह, ए कॉस थीटा को ए कॉस थीटा की जगह, रूट इलेवन, रूट इलेवन मल्टीप्लाई करके इलेवन आंसर. ये स्टेप सबको क्लियर है, इसके बेस पे आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चेक करो जरा क्या क्वेश्चन आंसर क्या आएगा. जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है किसका, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का, और लेट अस सपोज दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय a वेक्टर, इसका कंपोनेंट मुझे b वेक्टर पे निकालना है, और b वेक्टर की वैल्यू इज व्हाट, 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक. तो हम क्या इमेजिन करते हैं, लेट अस सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, ठीक. कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ये रहा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा. तो मेरा फाइनल आंसर होगा ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, यानी कि बी कैप. या तो क्लियर है. अब मैं आपको किसकी वैल्यू ढूंढ के दिखाऊंगा, ए कॉस थीटा की और बी कैप की अलग अलग. या तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें. अब मैं आपको a cos थीटा की वैल्यू ढूंढ के दिखाता हूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा. तो मुझे क्या चाहिए, a cos थीटा, तो a cos थीटा इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट, b. क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, क्रॉस मल्टीप्लाई. या फिर a cos थीटा इज ए वेक्टर की वैल्यू बोलो 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है,
5 i cap plus j cap minus k cap divided by b का magnitude क्या है, b का magnitude 5 का square, 1 का square minus 1 का square, ठीक। तो यहां से value क्या आएगी मेरे पास, i को i के साथ यानी कि 15, j को j के साथ minus 1, k को k के साथ minus 1 divided by under root of 25, 5 का square 25 plus 1 26 plus 1 27, ये step clear है। तो solve करके क्या आएगा, 13 divided by under root of 27, good out, इसमें एक और theta आ गया, आधा answer आ गया। अब मुझे क्या निकालना है साथ में, b cap, b cap क्या होता है, a vector divided by its magnitude, 5 i cap plus j cap minus k cap divided by magnitude बोलो 5 का square, 1 का square and minus 1 का square, solve करेंगे तो आएगा 5 i cap plus j cap minus k cap divided by under root of 27, b cap भी आ गया। अब मुझे मेरे answer में क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है a cos theta into कितना b cap, a cos theta की वैल्यू बोलो कितनी आई है, 13 divided by under root of 27, और b cap किसके इक्वल आया है, b cap है 5 i cap plus j cap minus k cap divided by under root of 27, तो यानी कि 13 divided by 27 into 5 i cap plus j cap minus k cap, आंसर यह आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेक्टर चेंज होते जाएंगे लेकिन मेथड रिमेंस सेम। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये cos थीटा आ गया, a वेक्टर की जगह a वेक्टर, b वेक्टर की जगह b वेक्टर, b का मैग्नीट्यूड, i डॉट प्रोडक्ट भूल गए, 3 into 5 15 minus 1 into 1 k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। ठीक है यहां तक। सो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें डिस्कस करने वाला, नेक्स्ट पॉइंट में क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें यह बताया गया है कि अगर हम वर्क डन निकाल लें, वर्क डन हमने जो अभी तक सीखा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम वेक्टर की बात नहीं करते थे, लेकिन अब ध्यान से देखो force is a vector and displacement is also a vector, और अगर मैं इन दोनों को multiply करूं तो मेरा answer work done का आएगा। अब दो vector को multiply करने के दो तरीके हैं, या तो बीच में dot लगेगा या बीच में cross लगेगा। अब decide ये करते हैं कि जो answer आएगा
वो वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, तो जो वर्क डन होता है वो याद रखना वो क्या होता है, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अगर वर्क डन 12 जूल का है या एनर्जी मेरे मैंने सपोज एनर्जी स्टोर की 12 जूल, तो डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जिनके यूनिट्स जूल होते हैं वो टर्म जितनी भी टर्म्स हैं वो सब स्केलर होती है, चाहे वो एनर्जी है चाहे वर्क डन है चाहे कुछ भी है। तो वर्क डन भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर होती है। तो वर्क डन अगर स्केलर है तो पक्की बात है ये दोनों वेक्टर है, तो प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो एफ वेक्टर डॉट क्या लगेगा, एस वेक्टर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। तो वर्क डन की कैलकुलेशन जब भी होगी आप क्रॉस के साथ नहीं करेंगे, आप हमेशा डॉट के साथ करेंगे। फिर कोई स्टूडेंट बोला कि ये चीज हमें पहले नहीं सिखाई कभी भी, हमने जितने भी क्वेश्चन वर्क डन के किए उन क्वेश्चंस के अंदर हमने तो सिर्फ यही देखा कि वर्क डन इज एफ इनटू एस, बस बात खत्म। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, वो इसलिए क्योंकि वर्क डन का वैसे तो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर एफ इनटू एस इनटू एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज सपोज थीटा। जैसे एक ब्लॉक है और आप इसको एफ फोर्स लगा रहे हो और इसके डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो एक्चुअल में तो वर्क डन का फॉर्मूला ये बनता है, अगर ओपन किया जाए, हमने जितने भी क्वेश्चन 9th 10th में या उससे पहले किए होंगे उसके अंदर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपने यहां फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको यही मिलेगी। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक किए, एंगल बिटवीन एफ एंड एस क्या रहेगा, जीरो। ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपने अभी तक एंगल जीरो ही लिया, इसीलिए आपका वर्क डन का फॉर्मूला आज तक जो आपने यूज किया वो क्या यूज किया, एफ एस कॉस ऑफ जीरो, यानी कि सिर्फ एफ इनटू एस। तो इसीलिए 9th 10th के अंदर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि किसी बॉडी पे फोर्स लगी यहां, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड है मान लो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि अगर ये एंगल पे फोर्स लगेगी तो वर्क डन की वैल्यू पता है क्या आएगी इसमें, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना, 60। इसका मतलब अभी तक जो हमने काम किया उसमें एंगल क्या लिया, हमेशा हमने जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो लेकिन अब हमारे पास जो हम वर्क डन करेंगे उसमें जरूरी नहीं कि एंगल हमेशा जीरो आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए हमें क्या, हम यहां पर थीटा पुट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? तो वैसे समझ में आ गया कि वर्क डन जो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। बाकी वर्क डन के चैप्टर में देखेंगे इसको कैसे करना है, पर अभी के लिए आपको न्यूमेरिकल आएगा कि मान लो फोर्स वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और आपसे पूछ रहे कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ की जगह एफ वेक्टर की जगह ये रहा, डॉट एस वेक्टर की जगह गिवन है। अब आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई का कोफिशियंट आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, के का के साथ तो 10, आंसर क्या आएगा, 10 जूल। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अगर आई कैप जे कैप के कैप गिवन है ना, तो इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में पुट करो। अगर एफ की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन, एस की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, फिर इसे ओपन करके ऐसे करो। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, मैं आपको एफ की वैल्यू दे दूं, एस की वैल्यू दे दूं और थीटा दे दूं, फिर तो एफ एस कॉस थीटा आंसर। जैसे ये मैंने क्वेश्चन बनाया था, इसमें फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 4, एंगल है 60, इतने जूल आंसर आ गया। पर मैंने आपको इसमें क्वेश्चन क्या दिया, F ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दिया, जे के में दिया, S भी वेक्टर फॉर्म में दिया, आप कुछ नहीं करो इसमें, इसे ओपन ना करो, F वेक्टर की जगह F वेक्टर, S वेक्टर की जगह S वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लो, सीधा आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कल को अगर आपको वर्क डन निकालना है तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर से आप अपना वर्क डन निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, अगर मैं किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता हूं, और मैं बॉडी को कहां से कहां डिस्प्लेस करता हूं, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2, 1, 3, इस पोजीशन से हिला के बॉडी को इस पोजीशन पे ले आता हूं 1, 2, 3, एंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ फैक्टर गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन के लिए मुझे ये समझ में आता है कि मेरी बॉडी यहां से यहां गई,
तो एस वेक्टर क्या बोलेंगे, एस वेक्टर को इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पर मेरे को क्या गिवन है, इनकी पोजीशंस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर बना लूंगा आर ए वेक्टर, कैसे, 2i कैप + 1j कैप + 3k कैप। और वैसे ही इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 1i कैप 2j कैप + 3k कैप, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर आ गया, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए, एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और रियलिटी में बॉडी कहां से कहां गई, ए से लेके बी तक गई, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना होगा एस वेक्टर। तो एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल में ये एक आर ए वेक्टर है, ये कॉन्टिन्यूस एक और साइड है, ठीक, कॉन्टिन्यूस साइड, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है। और ट्राइंगल के अंदर जो क्लोजिंग साइड होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो इस ट्राइंगल में आर बी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ आर ए वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो आर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो रूल समझ में आया ट्राइंगल लॉ से। और यहां से एस वेक्टर क्या आएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक। आर बी वेक्टर हमने निकाल दिया, आर ए वेक्टर हमने निकाल दिया, आर बी वेक्टर की जगह आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर की जगह आर ए वेक्टर, दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, एस वेक्टर। तो इसे ओपन करेंगे, आई वाली टर्म में से आई वाली टर्म माइनस, जे वाली टर्म में से जे वाली टर्म माइनस, और के वाली टर्म में से के वाली टर्म माइनस करेंगे, तो आंसर ये बच गया। तो ये क्या आ गया, एस वेक्टर। और हमने क्या निकालना है, वर्क डन। और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये आपके पास एफ वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, गिवन है क्वेश्चन में। ये आपके पास एस वेक्टर है, आप एफ डॉट एस करेंगे तो वर्क डन आएगा। डॉट प्रोडक्ट लें, आई वाली टर्म का कोफिशियंट आई के साथ माइनस वन, जे जे के साथ माइनस वन, के के साथ जीरो, आंसर क्या आएगा, -2 जूल। मेथड समझ में आया आपको कैसे करना है? तो अगर दो पोजीशंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, फिर वर्क डन आएगा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक क्या? देखो क्वेश्चन है कि एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आर ए वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर है। तो मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया, आर बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, एस वेक्टर निकाल लिया आर बी में सारे करके। फोर्स वेक्टर मुझे गिवन है, एस वेक्टर मैंने निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लो आंसर। नेक्स्ट है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालने को आ जाए तो भी डॉट प्रोडक्ट काम आएगा। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, मैं आपको बताता हूं ये होती क्या है। अब जो पावर होती है, ये मुझे मालूम है कि वर्क डन, जो पी पावर है, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोलते हैं पावर। वर्क डन मेरे को समझ में आता है क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डॉट प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कर सकते हैं। वर्क डन इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी हमने किया, या पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और टाइम के डिवीजन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां पर अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड है तो किसकी मर्जी नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर जहां मर्जी ले लो, चाहे इसके नीचे ले लो चाहे इसके नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वेक्टर के डिवीजन में नहीं ऐसा होता, वेक्टर के डिवीजन नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप इसे डिवाइड करके वी वेक्टर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन अलाउड है, नंबर है ना, कोई भी टर्म ऊपर वेक्टर चल रही है उसको 2 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक, तो क्योंकि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की क्या हो सकती है, चेंज, तो पावर भी किसी भी इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी, चेंज।
और क्योंकि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, तो पावर का भी नाम क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो जो पावर है उसका फॉर्मूला बन गया इंस्टेंटेनियस का, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, और ये आने वाले चैप्टर में कैसे बना ये फिर से हम करेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर करके एक चैप्टर है, उसके अंदर हम करेंगे। पर अभी के लिए अगर एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, वी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, और इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, तो रूल ये है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है और पावर क्योंकि स्केलर है, तो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? डॉट। तो याद रखना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको पावर देगा। तो इसलिए आपको एफ वेक्टर पता है, आपको वी वेक्टर पता है, आप डॉट प्रोडक्ट ले, तो आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ, और के वाली टर्म के, इसको जे कर लेना प्लीज, आई थिंक ये जे है, मैंने दो बार के लिख दिया, जे है ये भी जे है और ये भी जे है, करेक्शन कर लेना, ये जे है और ये भी जे है, राइट? तो आप आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ, तो आंसर आएगा 55 वॉट्स। पॉइंट समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे काम आएगा? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला याद रहेगा, लास्ट जहाँ ये डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, एक टर्म है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, शायद कई लोगों ने अपने 9th 10th में सुना हो, कोई अगर जिन्होंने सुना है वो बता सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कुछ ऐसा ही कुछ। चलो ठीक, फ्लक्स फ्लक्स को मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फ्लक्स प्लस टू का टॉपिक है और कम से कम नहीं तो एक महीना लगता है इसको करने में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो बहुत बड़ी चीज है ये। पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जरूर बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको फ्लक्स का एक आइडिया हो जाएगा फ्लक्स है क्या। बेसिकली जैसे सपोज करो आपके पास एक अम्ब्रेला है और बारिश पड़ रही है, रेन पड़ रही है, ठीक? ये रेन है, तो रेन की लाइंस देख रहे हो, बारिश की लाइनें ऐसे आ रही हैं, इसमें से क्रॉस करती हुई जा रही हैं, राइट? तो ये रेन का फ्लक्स है, कितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करती हैं, हम बोलते हैं कि ये रेन का फ्लक्स है। जितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करेंगी, मान लो और लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ज्यादा बारिश पड़ रही है ऑब्वियसली, और लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो और ज्यादा बारिश पड़ रही है, इसका मतलब इसमें, तो हम बोलते हैं फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं बोलते रेन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, कि रेन की लाइंस टाइट हो गई, हम बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस, अगर हम इमेजिन करें कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, हम बोलते हैं रेन का फ्लक्स बढ़ गया। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये प्लस प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये एक नेगेटिव प्लेट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर आप किसी चार्ज को रखोगे तो इट विल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये सबको मालूम है। और हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी में नहीं होता ये, इमेजिनरी होता है। अगर इस कॉपी पे मेरे को दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लाइंस ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ये रे ये शो करता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। पर रियलिटी में अगर ये दीवार पॉजिटिव है, ये दीवार नेगेटिव है, तो रूम के अंदर लाइंस नजर नहीं आएंगी आपको, पर फील्ड जरूर प्रेजेंट होगा यहां पे। पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और ये भी बता दूं कि जितनी ज्यादा लाइंस इसमें टाइट होती हैं, और क्लोज और क्लोज और क्लोज, इसका मतलब है यहां पर ये फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग का मतलब फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअल में, हाँ, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो एक्चुअल में ये बोला जाता है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, उन नंबर ऑफ लाइंस को ही फ्लक्स बोला जाता है, कि कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी एरिया में से, उसको फ्लक्स बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। तो आप समझ पाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा का मतलब लाइंस ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। उसी तरीके से मान लो मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ,
तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को भी लाइन से ही शो किया जाता है, ये लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जितनी ज्यादा लाइंस ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, जितनी कम ड्रॉ करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स वीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ही वीक है यहां पे। ठीक, कोई डिस्कशन नहीं इसके ऊपर कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है इसके ऊपर, तो सेकंड स्टेज पे तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं ना। मैं मतलब तो बोल रहा हूँ एक महीना लगेगा, प्लस टू में सिखाऊंगा कि ये फ्लक्स होता क्या है। मैंने नहीं डिटेल में जाना, ना मैंने खोलना है, ना मैंने कोई आंसर देना है कि फ्लक्स कैसे आया। मैं सिर्फ एक एक लाइन में एक महीने का काम बता रहा हूँ कि यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन्स जो क्रॉस करती हैं किसी एरिया में से, जितनी ज़्यादा करती हैं वो क्यों करती हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। ऑब्वियसली यार मैग्नेट स्ट्रांग होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा चार्ज होगा तभी लाइन ज़्यादा होंगी, तभी फील्ड ज़्यादा होगा। तो जिसने प्रोड्यूस किया, जिस मशीन ने प्रोड्यूस किया, वो फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि वहाँ पर लाइन ज़्यादा होंगी। सिंपल, वो क्यों हो रही है वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है। लाइन ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा है, बात खत्म। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें ये सिखाया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड है उसमें जो फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फाई। और क्योंकि ये लाइन्स इमेजिनरी हैं, ये कोई दिखती थोड़ी ना है, तो हमने ड्रॉ की, तो इनको काउंट करने का तरीका है कि कितना कितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करती हैं किसी एरिया में से। अब ये अजीब लगेगा कि जो एक तो कह रहा हूं इमेजिनरी है, हमने ड्रॉ करना है, ऊपर से काउंट भी करना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जो प्लस टू के अंदर समझ में आएगी। तो हम ये स्टडी करेंगे, या बनाने वाले ने फॉर्मूला बनाया कि अगर आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना चाहते हो कि कितनी क्रॉस कर रही हैं किसी गिवन एरिया में से, उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करें एक एरिया में कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बी, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम प्लस टू के अंदर ही करेंगे, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो कितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है ए, ए इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बट फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पढ़ाया जाएगा। नंबर ऑफ लाइन्स है ना, तो नंबर है, ये स्केलर है। तो ये बताया जाता है उसमें प्लस टू में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको फ्लक्स तो समझ में आएगा नहीं प्लस वन के अंदर, तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आ जाए, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर एंड ए वेक्टर, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल को एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें वी वेक्टर गिवन है, कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें ए वेक्टर गिवन है, और वो पूछ ले कि फ्लक्स निकालो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स का फॉर्मूला इज वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कहां से आया वो नहीं कोई पूछेगा, ना मुझे चाहिए। तो बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, डॉट ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली जे के साथ, के वाली के के साथ सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -6। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे फ्लक्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वैसे ये आएगी नहीं प्लस वन में, मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, पर मैंने डाल दी। कल को अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है तो पता हो कि क्या करना है, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। ठीक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहली चीज ये समझनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर स्केलर नहीं आएगा, आंसर वेक्टर आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस नी इंटू साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो ये साइन थीटा। अब क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी नंबर है, साइन थीटा भी कोई नंबर आएगा, ये मैग्नीट्यूड है। अब क्योंकि प्रोडक्ट आना क्या चाहिए? वेक्टर। वेक्टर के पीछे क्या लगेगी? डायरेक्शन। मान लो जो भी वैल्यू आती है 10, 15, कुछ भी, इनको मल्टीप्लाई करके अगर वो जो वैल्यू है, जो भी आंसर आया, वो अलोंग एक्स एक्सिस आया तो पीछे क्या लगेगा? आई कैप। अगर वो वाई एक्सिस आया तो लगेगा जे कैप। अगर जेड एक्सिस आया के कैप। अगर ए वेक्टर के अलोंग आया ए कैप, बी वेक्टर के अलोंग आया बी कैप। तो इन जनरल क्या पुट कर दिया? एन कैप। डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की आंसर क्या होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती,
पर ये कैसे निकलता है ये सोचने वाली बात है, कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। पर ये समझ में आ गया कि एन कैप क्या शो कर रहा है, एन कैप पीछे लगाना पड़ेगा टू शो दी डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, आई क्रॉस जे, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो, वन, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, वन, और एंगल आई और जे में बोलो कितना है, 90, तो साइन ऑफ कितना, 90, कोई डाउट इसमें। अब पीछे एन कैप की बारी है, ये बहुत ध्यान से देखना है, एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन बताने के लिए या देखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपना राइट हैंड, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या करते हैं, ये आई क्रॉस जे है, ये जरूरत नहीं है, ऐसी हो जाएगा आई क्रॉस जे है, चार फिंगर राइट हैंड की चार फिंगर्स, ये पूरा हाथ आई कैप पे रख दो, क्योंकि आई क्रॉस जे है, चार फिंगर आई कैप पे रख दो, चार फिंगर को फोल्ड करो किसकी तरफ, जे की तरफ, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो चार फिंगर आई पे क्रॉस जे, थंब कहां पर आ रहा है, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर कौन सा कैप आ रहा है, के कैप, तो आंसर थंब जहां जाएगा वो डायरेक्शन ही पीछे लगेगी, तो पीछे क्या लगेगा, के कैप। फिर रिपीट, आई क्रॉस जे, थंब कहां आ रहा है, बाहर, के कैप। मैं ऐसे समझाता हूं, देखो सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, जे आई के, ये लो, ठीक हो गया, मैंने कहा आई क्रॉस जे, आई हाथ आई पे क्रॉस जे, थंब कहां पे आ रहा है, अलोंग के, के। फिर दोबारा देखते हैं, मैंने बोला जे क्रॉस के, ये जे है ये के है, चार फिंगर्स ली, जे जे पे रख दी, क्रॉस क्या करना है, के, तो ये हाथ कहां जाएगा, अलोंग के, थंब कहां आ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, आई कैप। तो चेक करो, जे क्रॉस के, वन वन साइन 90, क्योंकि जे और के में भी एंगल 90 होगा, लेकिन कैप क्या लगेगा, आई कैप, आई क्यों, क्योंकि मैंने फिर बताया ये जे है ये के है, जे के आई, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। फिर देखते हैं के क्रॉस आई, इसकी जगह वन, इसकी जगह वन, एंगल फिर से 90, क्योंकि के और आई में भी एंगल क्या बनेगा, 90। अब क्या करना है हमने, के क्रॉस आई, फिर देखो के कहां पर है, ये रहा, आई कहां पे है, ये रहा, के के ऊपर रखी फिंगर्स, क्रॉस क्या करेंगे, आई, थंब कहां आएगा, ऊपर, ऊपर कौन सा कैप है, जे, राइट। कोई स्टूडेंट बोला कि ये तो बड़ा आसान है, ये क्यों कर रहे हो, मैंने कहा क्यों, कहते जो मिसिंग वेक्टर वो लगा दो, आई जे है तो पक्का ही के आएगा, जे के है तो मिसिंग आई है, के आया है तो फिर जे है, ठीक है, क्या दिक्कत है। सपोज किसी को ये थंब रूल नहीं करना, कोई बात नहीं, एक आसान तरीका है, आप आए जे और के को लाइन में लिखें और आप इसको इस तरीके से इस ऑर्डर में चलाएं, कैसे, आए क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के विल गिव आए, के क्रॉस आए विल गिव जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आए, के क्रॉस आए जे, लिख लिया। बट अब ध्यान से, अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने बोला कि आए क्रॉस जे निकाल लो, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आए है ये जे है, तो थंब कहां आया, के, वेदांति, ये आए है ये जे है, के, मैंने बोला जे क्रॉस आए निकाल लो, उल्टा, ये जे है ये आई है, उल्टा करें, ये जे है और ये आई है, देखो आई क्रॉस जे में हाथ ऐसे चल रहा था, आई से स्टार्ट होके जे तक, और जे क्रॉस आई में उल्टा चलेगा, जे से स्टार्ट होके आई तक, थंब कहां आएगा, बोर्ड के अंदर,
बाहर कौन सा कैप था के, अंदर कौन सा कैप है नेगेटिव वेक्टर माइनस के, तो इसलिए अगर ऑर्डर चेंज किया तो यहां पर क्या आएगा माइनस के। बता रहा हूं क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, थंब रूल से बता तो रहा हूं, आई क्रॉस जे अगर निकाल पाए के तो ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस के। आपने ये थंब रूल चलाना नहीं है, आपने सिंपल एक शॉर्टकट लगाना है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे चलती हैं चीजें। आपने रूल कोई थंब नहीं यूज करना, आपने ऐसे लिखना है, ये बना लिया सीक्वेंस, आपने शॉर्टकट लगाना है, आई क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के विल गिव आई, के क्रॉस आई विल गिव जे। ये लिख लिए तीन फॉर्मूले, लिख लिए तीन फॉर्मूले, इनका ऑर्डर चेंज करो। अगर जे क्रॉस आई किया तो आंसर माइनस के, अगर के क्रॉस जे किया तो आंसर माइनस आई, अगर आई क्रॉस के किया तो आंसर माइनस जे। छह फॉर्मूले इसके अलावा आएगा ही नहीं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप इन फॉर्मूलाज को देख पा रहे हो कि अगर कल को यूज करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर चेंज किया तो माइनस आएगा। ये लिखो, इसके बाद ये तो लिख ही लोगे, उल्टा घुमाओगे तो ये भी लिख लोगे, बात खत्म। तो छह चीजें हो गई, थंब यूज करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अभी सिर्फ आई जे में कैलकुलेशन है, ए क्रॉस बी क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा ये करना कैसे है। देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा, अब हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं, ध्यान आगे सबका, ए क्रॉस बी, तो ए की जगह ए वेक्टर, क्रॉस की जगह क्रॉस, बी की जगह बी वेक्टर, जैसे डॉट प्रोडक्ट करते थे वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट, यहां डॉट होता था इसमें क्रॉस है, वो डाउट इसमें। हम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, हर टर्म को हर के साथ मल्टीप्लाई और शॉर्टकट बनाते थे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, इसमें करके देखते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आई को पहले इससे 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 क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं छोड़ना, इस टर्म को इससे 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 क्रॉस करेंगे, फिर के को इससे 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 क्रॉस करेंगे, तो कुल मिला के 9 टर्म्स खुल के आएंगी, करके देखते हैं। आए क्रॉस टू आए, टू कॉन्स्टेंट बाहर रखो, तो आए क्रॉस आए लिख दिया। नेक्स्ट इसको इससे करो माइनस आए क्रॉस जे लिख दिया, ऑर्डर चेंज मत कर देना, आए क्रॉस जे लिखना, जे क्रॉस आए मत लिखना, एक ही बात नहीं है, तो आए क्रॉस जे लिख दिया। इसको इससे करो, टू बाहर आ गया, आए क्रॉस के, तीन टर्म्स आ गई, अब जे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू बाहर आ गया, जे क्रॉस आए ये ना, फिर जे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस जे क्रॉस जे, फिर जे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं टू जे क्रॉस के, फिर के को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो टू बाहर आ गया के क्रॉस आए, फिर माइनस बाहर आ गया के क्रॉस जे, के को इससे मल्टीप्लाई करते हैं टू के क्रॉस के, 9 टर्म्स लिख लोगे ऐसे, कोई डाउट इसमें, ओपन ही किया ऐसे। अब ओपन करने के बाद हमें फॉर्मूलाज आते हैं, आए क्रॉस आए क्या है, क्यों जीरो, इसके लिए ऊपर आ जाओ, मैंने ये तो आपको बता दिया सारा, ये बता देता हूं, आए क्रॉस आए अगर कैलकुलेट करना हो तो 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, आए का आए के साथ ही एंगल क्या बनेगा जीरो, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल जीरो, तो ये आंसर क्या आएगा जीरो। अगर मैं अकेला जीरो लिखता हूं तो आप मुझे कहेंगे कि दो आप एक वेक्टर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं, मैंने वेक्टर लगा दिया क्योंकि मैंने को बताया था जीरो कैन बी टेकन एज अ नल वेक्टर, तो डायरेक्शन पूछोगे मैं बोलूंगा पता नहीं क्या, तो नल वेक्टर कुछ भी नहीं डायरेक्शन, क्लियर है यहां तक, दिखाने के लिए वेक्टर की देखो मैंने वेक्टर लगाया, अदरवाइज जीरो ही है। ऐसी जे क्रॉस जे पे जीरो, साइन जीरो आएगा तो जीरो, के क्रॉस के भी क्या होगा जीरो, क्लियर है यहां तक। तो आप नीचे आ जाओ, अब ये देखो चेक करो, आए क्रॉस आए क्या आया जीरो, आए क्रॉस जे क्या होता है के, आए क्रॉस के क्या होता है ये रहा, आए क्रॉस जे के इज माइनस जे, ये रहा, जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, जे क्रॉस जे क्या होता है जीरो, जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, मतलब ये सारे फॉर्मूला तो ऊपर लिख रखे हैं, इनमें से सारे फॉर्मूलाज को पुट कर दिया, राइट यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब माइनस के कैप बच गया, ये रहा माइनस के कैप, ये तो जीरो है,
2 into minus j, 2 into minus j cap, 2 into minus k cap, ये 0 आ गया, 2 into i cap, 2 into j cap, और minus, minus, plus i cap. I वाली terms i में add कर देते हैं, 2i plus i, 3i, j वाली term तो j से क्या हो गई, cancel, और k वाली term में minus k और minus 2k will give minus 3k, answer. तो आंसर चेक करो ijk में आ रहा है, ijk में आने का मतलब डायरेक्शंस की भी फॉर्म में आ रहा है, इट इज अ वेक्टर आंसर, वेक्टर फॉर्म में आंसर आया. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? डॉट प्रोडक्ट ठीक नहीं था? डॉट प्रोडक्ट आसान था, पेन को बिना हाथ लगाए फटाफट आंसर आता था. क्रॉस लंबा नहीं है, मैं इसको छोटा करता हूं. ये मेथड बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, लेकिन ये एक्चुअल मेथड है. पहले क्यों नहीं बताते? पहले बताते. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मैथ से एक तरीका है, मैथ्स वाले करवाते हैं ये तरीका, हम लोग फिजिक्स वाले वही करवाते हैं, पर हम यूज यही करेंगे. बहुत सही तरीका है, ए क्रॉस बी निकाल लें. और मजे की बात ये है, इस मेथड में आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई आई क्रॉस जे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिना फॉर्मूले के आंसर आ जाएगा. देखो कैसे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सुना हुआ है, मैट्रिक्स सॉल्व करना, कईयों को नहीं सुना होगा, कईयों को सुना होगा, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं. तो क्या करना होता है, ए क्रॉस बी में आपने ये मैट्रिक्स बनाना है, इसके अंदर स्टैंडर्ड है, आपने लिखना है आई कैप, फिर आपने लिखना है माइनस जे कैप. हर क्वेश्चन में माइनस जे कैप, ये पोजीशन पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, और ये पॉजिटिव होती है. ऐसा क्यों होता है ये मैथ्स के टीचर प्लस टू में नॉन मेडिकल वालों को सिखाएंगे, मेडिकल को सीखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड याद करें. तो फिलहाल के लिए आई कैप माइनस जे कैप और के कैप लिख लिया. उसके बाद ए वेक्टर में आई का कोफिशियंट 1 है, जे का कोफिशियंट 1 है, के का कोफिशियंट 1 है. बी वेक्टर में आई का कोफिशियंट 2 है, जे का कोफिशियंट -1 है, के का कोफिशियंट 2 है. लिख लिए कोफिशियंट्स, ये जे 1, ये ए के कोफिशियंट है, ये बी के कोफिशियंट है. ए का कोफिशियंट 1 1 1, नहीं नहीं पोजीशन इसकी नेगेटिव है, सबकी नहीं, सिर्फ इसकी, ये नहीं, ये तो एज इट इज एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, कोफिशिएंट्स एक्चुअल है, इसकी पोजीशन नेगेटिव है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना प्लीज. आई कैप लिखो पहले, आई कैप लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज. आई कैप, आई कैप के नीचे जो भी नंबर है इसको नहीं देखना, और इसकी लाइन में जो भी है नहीं देखना. तो आपको चार नंबर दिखेंगे सिर्फ, इसके अलावा ना ये देखना है ना ये देखना है, चार नंबर दिख रहे हैं. आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपस में दोनों को माइनस कर देना है. कैसे? 1 into 2 माइनस माइनस 1 into 1 लिख दिया आपने, लिखा आई कैप, ये नंबर छोड़ दिए, चार नंबर दिखे. तो फिर देखो इधर, यहां से शुरू करना है, 1 into 2 माइनस 1 into -1, कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिख दिया. अब माइनस जे कैप के नीचे और साइड पे जो नंबर है नहीं देखने, फिर चार नंबर दिखेंगे, 1 2 3 और 4, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो आगे, 1 into 2 माइनस 1 into 2, ये स्टेप भी क्लियर है. अब बारी किसकी है? के कैप की. तो के कैप के नंबर नीचे छोड़ दो और ये छोड़ दो, चार नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर छोड़ देते हैं, 1 into -1 माइनस 1 into 2, ये टर्म आ गई आपके पास. सॉल्व करें तो ये क्या बन गया, 2 माइनस माइनस प्लस, ये क्या है 2 और ये क्या है 2,
ये क्या है माइनस वन, वो है टू। सॉल्व करें, टू से टू गया जीरो, टू प्लस वन थ्री, और ये क्या आ गया माइनस के कैप। चेक कर लो, वही आंसर आ गया जो पिछली स्लाइड पे आया था। और ये ज्यादा आसान मेथड है, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करें प्लीज। पहले ऊपर वाले को देखें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें प्लीज। देखो क्वेश्चन इज, स्टार्ट यहां से करने, चेक करते जाओ प्लीज। स्टार्ट यहां से करेंगे आई माइनस जे के से, ए वेक्टर का कोफिशियंट कितना है टू, नेक्स्ट माइनस थ्री एंड फोर, बी का कितना है वन फाइव माइनस सिक्स। कोई डाउट इसमें? क्या है पॉइंट क्लियर है? ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कैप के साथ स्टार्ट, आई कैप के नीचे और साइड पे छोड़ देंगे, चार नंबर दिखेंगे, तो माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव, पहली टर्म। स्टेप क्लियर है? आई कैप के नीचे के नंबर छोड़ दिए, चार नंबर दिख रहे हैं, तो माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव, ठीक है यहां तक। माइनस जे कैप, जे कैप ये नंबर छोड़ दो, टू इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू वन, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट के कैप के को छोड़ देते हैं, चार नंबर दिखेंगे, तो टू इंटू फाइव माइनस माइनस थ्री इंटू वन, ये स्टेप क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई कैप माइनस एटीन माइनस ट्वेंटी, यही आएगा, सॉरी प्लस एटीन माइनस ट्वेंटी, माइनस जे कैप माइनस ट्वेल्व माइनस फोर प्लस के कैप टेन प्लस थ्री, तो यहां पर क्या आएगा माइनस टू आई कैप प्लस सिक्सटीन जे कैप प्लस थर्टीन के कैप। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ओके क्लियर है यहां तक? तो क्रॉस प्रोडक्ट सबको क्लियर है कैसे होगा? और ये ज्यादा आसान मेथड है उस मेथड से। हाँ लगाओ, स्कूल में लगाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है यहां तक। एक काम करो, वेक्टर चेंज करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज। इफ ए वेक्टर इज आई कैप एंड बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। ये करो। हाँ जीरो जीरो लेंगे।
ऐसे बनाया, ए वेक्टर में सिर्फ आई कैप है तो मान लिया, बी और सी में जीरो जीरो, और बाकियों में तो लिख ही लिया, तो सही है आई कैप। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो माइनस जीरो माइनस जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई तो वन माइनस जीरो, और ऐसी के कैप इसको छोड़ देते हैं तो वन माइनस जीरो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए माइनस जे कैप प्लस के कैप, बाकी तो सेम है मेथड। पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है। जैसे प्रॉपर्टी की थी या प्रॉपर्टीज की थी डॉट प्रोडक्ट की, कि कहां कहां डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, वैसी प्रॉपर्टीज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, कि कहां कहां क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और अगर मान लो मैं इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है, बी मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ कितनी है बी, ये एंगल मान लो कितना है थीटा इस, और इमेजिन करो एक राइट जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो साइन थीटा इसमें क्या होगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही, साइन थीटा इज, मान लेते हैं ये साइड वाई है अपॉन बी, तो साइन थीटा इज वाई अपॉन बी, तो वाई क्या होगा बी साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हाइट क्या आ गई बी साइन थीटा, ज्योमेट्री अपनी वो ट्रिग्नोमेट्री लगाई आपने, साइन थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और अगर मैं ये कहूं कि एरिया बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, आप क्या बोलोगे, बेस, बेस की लेंथ कितनी है ए, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितने बी साइन थीटा, तो ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा एरिया पैरेललोग्राम है। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लो, ए क्रॉस बी होता क्या है, ए बी साइन थीटा के पीछे एन कैप, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा के पीछे एन कैप, और मैंने बाहर क्या लगा दिया मॉड, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वन, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा ए बी साइन थीटा, पर ए बी साइन थीटा इस पैरेललोग्राम से क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये स्टेप समझ में आया यहां तक कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आंसर दे रहा है और हमने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी सेम आंसर दे रहा है, रिजल्ट याद रहेगा ठीक है यहां तक। तो आज के बाद अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए इट विल गिव एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड एज, अगर एक पैरेललोग्राम है उसकी साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो सबसे पहले क्या करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, आई माइनस जे के, ए का कोफिशियंट 1 1 2, बी का कोफिशियंट 2 3 1, फिर आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस इनटू दिस, माइनस जे कैप दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, के कैप दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये रहा, सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आई, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो याद है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसका अगर मॉड लगेगा, अगर यहां हम मॉड लगाएं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस फाइव होना चाहिए, एक ही बात है खैर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकलता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू आई जे के देख के कैसे निकलती है, हमने लास्ट टाइम किया, सॉल्व करेंगे आंसर आ गया, ये इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। तो अगर मान लो कल को क्वेश्चन आता है ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है तो हो जाएगा सॉल्व ठीक है। तो पहले क्या निकलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के में आंसर आएगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ठीक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब कि जबकि डॉट प्रोडक्ट है
उसमें क्या करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था वो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता। क्यों? इमेजिन करो ये आई कैप है और ये जे कैप है, आई क्रॉस जे क्या होता है के, लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं इनका तो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस के, रिवर्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रही है। और ये दो वेक्टर इक्वल नहीं माने जाएंगे क्योंकि बीच में किसका फर्क आ रहा है, माइनस का। क्लियर है यहां तक? तो ये रूल बन गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। पहली बात तो ये समझ लो ये बराबर नहीं है, पर आप कहते हो मेरे को बराबर करने हैं। कैसे? कि अगर आप ये लिखते हो ये ए क्रॉस बी है और आप अगर इनको इक्वल करना चाहते हो तो फिर साइन आपको क्या लगाना पड़ेगा यहां पर, नेगेटिव, फिर ये इक्वल माने जाएंगे। आपने कहा वो कैसे? इमेजिन करो, इधर देखो, इमेजिन करो कि सपोज ए वेक्टर मेरा आई कैप है, इमेजिन कर लो, बी वेक्टर को सपोज कर लो कितना है, जे कैप है, और यहां पे माइनस बी वेक्टर क्या है, जे कैप, ए वेक्टर क्या है, आई कैप, ले लिया। अच्छा बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर क्या आएगा, के कैप, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो सेम हो गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम सही लिखी हुई है कि कल को अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल लिखना चाहते हो तो फिर साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, अदरवाइज तो ये इक्वल होते ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? माइनस साइन क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन का इफेक्ट शो कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव करके दिखाया है कैसे हुआ। ना ना प्रूविंग नहीं आती, वैसे बता रहा हूं प्रॉपर्टी कि कल को अगर मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चल रहा था और कल को उठा के मैंने बी वेक्टर इनटू क्रॉस ए वेक्टर कर दिया, ऐसे ही चेंज कर दिया, तो फिर साइन आगे माइनस लगा दूंगा, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, जब पड़ेगी तब याद करा दूंगा, पर अभी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। ठीक है? अच्छा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल या तो जीरो है या फिर 180 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का जीरो होगा। वो क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में अगर एंगल जीरो हुआ, साइन जीरो मैथ्स में जीरो होता है तो आंसर जीरो आएगा, और अगर 180 हुआ तो मैथ्स में साइन 180 भी जीरो होता है तो आंसर फिर से जीरो ही आएगा। बस वेक्टर नल वेक्टर बोल देना, आंसर जीरो ही आएगा। तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो आंसर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे ए वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाएगा तो ए इंटू ए इंटू ए वेक्टर, और ए वेक्टर में एंगल क्या होगा, जीरो, बिकॉज ए वेक्टर खुद के साथ एंगल क्या बनाएगा, जीरो, साइन जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। वो डाउट इसमें? तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो, तभी तो आई क्रॉस आई क्या आया था, जीरो, जे क्रॉस जे क्या आया था, जीरो, के क्रॉस के जीरो, ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी जीरो। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल उनके बीच में कितना हुआ, 90, तो जब ओपन करेंगे ए क्रॉस बी और साथ में मॉड लगा हुआ है तो डायरेक्शन नहीं लेनी, ओनली मैग्नीट्यूड, तो यानी कि ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड माना जाएगा तो ओनली ए बी साइन थीटा, तो थीटा अगर 90 है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए बी। पर इसको याद करने की जरूरत क्या है, तो हम सीधा जब न्यूमेरिकल आएगा उसको 90 पुट कर लेंगे, अपने आप ही हमारे पास उस टाइम आंसर आ जाएगा। बट प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि अगर 90 होगा तो 90 पुट करेंगे, जीरो एंगल होगा तो जीरो पुट कर देंगे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से एक टर्म है टॉर्क, ये टॉर्क बीच बीच में आ जाती होती है, अभी टॉर्क कैसे जनरेट हुआ कोई कुछ नहीं एक्सप्लेन, कोई क्वेश्चन नहीं, टॉर्क कैसे हो गया, पंखा कैसे घूम गया, कुछ नहीं पूछना, टॉर्क का फॉर्मूला बता रहा हूं। कई लोगों ने अपने स्कूल में 9th-10th में सुना भी होगा टॉर्क का फॉर्मूला कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कुछ ऐसे याद करते हैं। जो नहीं सुना तो वो सुन ले। जो टॉर्क है उसका सिंबल क्या होता है, फोर्स का एफ होता है, आर का डिस्प्लेसमेंट होता है, टॉर्क का ये टाउ होता है, सिंबल का नाम है टाउ, इट्स अ वेक्टर, टॉर्क एक वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सिस के अलोंग चलता है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर क्रॉस एफ, क्योंकि ये वेक्टर है, आर और एफ के बीच में आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, तो बीच में या डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो बीच में क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ये फॉर्मूला याद करना है आपने। ये फॉर्मूले को कैसे प्रूव करना है, ये रोटेशनल मोशन करके चैप्टर आएगा 2-3 महीने बाद,
उसके अंदर ये प्रूफ करवाया जाएगा ये फॉर्मूला बनता कैसे है, अभी के लिए याद करना है। तो टॉर्क वेक्टर है जिसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, तो कल को अगर क्वेश्चन आता है तो आर गिवन होगा एफ गिवन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आ जाएगा टॉर्क वेक्टर। अब ये एक क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इस ये है एक लाइन का पर इसके अंदर मीनिंग थोड़ा डीप है। पहले एक बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर तो चलो छोड़ो, एक कोई भी वेक्टर गिवन है, मान लो आई वेक्टर गिवन है, आई कैप है कुछ भी, आई कैप है एंड ये जे कैप है, दो वेक्टर मैंने आपको दे दिए, एक आई कैप है और एक जे कैप है, ये आई कैप है और ये जे कैप है। मेरा क्वेश्चन है एक ऐसा वेक्टर बताओ जो आई के साथ भी 90 डिग्री पे हो और जे के साथ भी 90 डिग्री पे हो, आप बोलेंगे के कैप, क्योंकि देखो ये पेन इसके साथ 90 एंगल बना रहा है, ये पेन इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है, तो आंसर के कैप या माइनस के कैप कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट इसमें? सही है। इस बात को डायग्राम के बिना अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो एक बहुत सही तरीका है मेरे पास, आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो आई के साथ भी 90 एंगल बनाए, जे के साथ भी 90 एंगल बनाए, अब सिंपली क्या करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, जो आंसर आएगा बोलो क्या आंसर आएगा, वो इसके साथ भी 90 पे होगा, इसके साथ भी 90 पे होगा, सिंपल है। तो मतलब डायग्राम आज के बाद कुछ कोई नहीं ड्रॉ करेगा, ना ही कोई पेन लेके इमेजिन करेगा, अगर मैं कहूंगा आई कैप है या दूसरा कोई भी वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो आंसर जो है इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो आपने सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ए वेक्टर एक वेक्टर है, बी वेक्टर एक वेक्टर है, एक ऐसा नया वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर के साथ भी 90 एंगल बनाए और बी वेक्टर के साथ भी 90 एंगल बनाए, अब डायग्राम तो क्या बनेगा ए बी का, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ए क्रॉस बी उठा के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनको क्रॉस प्रोडक्ट ले, मैंने सॉल्व ले लिया, वो मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना, आई माइनस जे के पूरा सॉल्व करके आपके पास ये आएगा, ये जो वेक्टर होगा वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये वेक्टर जो होगा वो इसके साथ भी 90 एंगल बनाएगा, इसका मतलब ये है। पॉइंट समझ में आया? तो कल को अगर वो पूछेगा कि मेरे को एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के साथ एंगल 90 बनाए, तो आपने कुछ नहीं करना, इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल, अपने आप एक नया वेक्टर आएगा ऑटोमेटिकली 90 ही बनाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने क्या बताया कि जो वेक्टर आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके ये वेक्टर आया, दोनों के साथ 90 एंगल बनाएगा। हालांकि इसने क्वेश्चन पूछा कि मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए जो इनके साथ एंगल 90 बनाए, तो पर मैंने क्या निकाल दिया, कंप्लीट वेक्टर निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इसके और इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर वेक्टर पूछता है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर यूनिट वेक्टर पूछता है तो इसका आगे एक फर्दर स्टेप और कर देना। ये क्लियर है? मेरा क्वेश्चन है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल सपोज थीटा है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू
देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो कोई नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर ए के साथ भी और बी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अभी रूल किया आपने, ए क्रॉस बी करेंगे तो नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर जो भी होगा वो ए और बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आपने, आपको समझ में आ रहा है, जो नया वेक्टर आएगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा किसके साथ, ए के साथ, बी के साथ। तो देखो जो नया वेक्टर आया वो ए के साथ 90 एंगल बना रहा है तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, जीरो। अच्छा चलो ऐसे ही समझ में आता है, ऐसे कर लो, मान लेते हैं ये आई कैप है। बेस्ट तरीका यही होता है, आई कैप है जब इमेजिनेशन नहीं काम करती। मान लेते हैं ये जे कैप है, तो मुझे बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। अब के कैप आई और जे दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो। उसने पूछा जो आंसर आया वो ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है आई कैप के साथ एंगल क्या बना रहा है 90, तो आंसर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो, क्योंकि के डॉट आई क्या होता है 90, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी आपको एक नया वेक्टर देगा जो ए के साथ भी 90 पे होगा और बी के साथ भी 90 पे होगा। तो ये ए है, ये बी है और नया वेक्टर दोनों के साथ 90 पे है, तो बताओ कि जो नया वेक्टर है वो ए के साथ क्या एंगल बना रहा है 90। जो नया वेक्टर आएगा वो ए के साथ तो 90 बनाएगा, तो नए वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमने प्रॉपर्टी की थी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, आंसर इज जीरो। नहीं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ए को मान लो आए, बी को मान लो जे, वैसे ही पता लग जाता है आंसर क्या है। कोई डाउट इसमें? तो ये रूल समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो एक नया वेक्टर आता है वो वेक्टर ए के साथ भी 90 बनाता है और बी के साथ भी हमेशा 90 ही बनाएगा। क्लियर है यहां तक? कहां पे? यहां पे। तो फिर अगर क्रॉस होता तो आंसर फिर पता नहीं क्या आता, फिर ए बी साइन थीटा लिखता मैं, इसको ए लिखता, ऐसे लिखता। ये कह रहा है अगर ये क्रॉस होता तो इमेजिन करो, फिर एक काम करते हैं, जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये आई कैप है, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस आई, अब आंसर जीरो तो नहीं होगा, तो देख लेना जैसे भी होगा, हाँ मतलब आपको ए बी में छोड़ना पड़ेगा, फिर आंसर जीरो तो नहीं होगा कम से कम, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। मैंने जान के डॉट प्रोडक्ट के साथ पूछा था कि आंसर जीरो आए, ठीक, ओके। आपको एक सब्जेक्टिव शीट मिली होगी, सब्जेक्टिव शीट नंबर 8, सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 और ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, ऑब्जेक्टिव नहीं मिली, अच्छा आपको ये शीट नहीं मिली, ओके। सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 और 9 अभी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी।
ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 और 9 मिल गई, ऑब्जेक्टिव 2 मिली है, सब्जेक्टिव अभी भी नहीं मिली, 2 मिनट। सब्जेक्टिव शीट नंबर 9, सबसे पहले सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 के क्वेश्चन मार्क करो जो भी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 से लेके सीधा ही लिखो, 1 से लेके आपको करने हैं 11, 1 से 11 अभी करने हैं। हाँ, स्टार्ट करो। अभी प्रैक्टिस करनी है, ये शुरू करो। देखो, जिनका क्वेश्चन, जिनके क्वेश्चन होते जा रहे अपने आंसर मैच कर लें। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहला पार्ट तो हो ही जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आई वाली टर्म आई के साथ जे और के, तो कितना आंसर आ गया, माइनस, राइट। बी पार्ट क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व। उसी तरीके से ऐसी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का, इसको सॉल्व कर लेना,
आंसर, ठीक। और डी पार्ट है, क्योंकि ये ए पार्ट है, बी पार्ट, डी पार्ट, डी पार्ट है फाइंड 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड। तो मॉड ऑफ 3a वेक्टर की जगह a वेक्टर पुट कर देते हैं, a वेक्टर, एंड b वेक्टर की जगह b वेक्टर पुट कर देते हैं, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये लो। तो इसको ओपन करते हैं, 3i कैप, 9j कैप, 6k कैप, 8i कैप, 4j कैप, 8k कैप, ये लो। तो i को i के साथ ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 11i कैप, j को j के साथ करते हैं तो 5j कैप, और k कैप में 2k कैप। लेकिन हमने बाहर क्या लगाया हुआ है, मॉड। मॉड का मतलब इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या होगी बोलो, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं? आंसर रूट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये मेंशन किया गया है कि इफ ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप 2j कैप 3k कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, हमने कहा क्या किया था पहले, इसका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, आई वाली टर्म को आई में ऐड करते हैं 3i कैप, जे वाली टर्म को जे में ऐड करते हैं, के वाली को के में ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट आ गया। पर हमने रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा निकालना है, हमने तो इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, आर कैप, आर कैप क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो 3i कैप 6j कैप 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आंसर, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि करना क्या है, रिजल्टेंट निकलेगा फिर उसका यूनिट वेक्टर निकलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक करो, उसने बोला क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैं चेक कर लेता हूं क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 में दो वेक्टर गिवन है, आई कैप 2j कैप 3k कैप एंड दूसरा 2i कैप माइनस j कैप, और k नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, 0k कैप। मुझे चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। हमने क्या कहा था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, जीरो। तो अगर इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो ये आपस में परपेंडिकुलर माने जाएंगे। तो करें सॉल्व, आई वाली टर्म को आई के साथ करके देखते हैं 2, जे वाली टर्म को जे के साथ तो कितना आएगा माइनस 2, के वाली टर्म को के साथ तो 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0।
तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो, इसका मतलब टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, तो डॉट प्रोडक्ट इसमें जीरो आ रहा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर फोर में ए वेक्टर गिवन है आई टू जे के, बी वेक्टर गिवन है माइनस आई प्लस जे माइनस टू के, आपको क्या निकालना है इनके बीच में, एंगल। हमने लास्ट टाइम एंगल निकाला सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इनटू बी। तो एक काम करते हैं, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर पुट करो आई कैप टू जे कैप और माइनस के कैप डॉट, बी वेक्टर की जगह माइनस आई कैप जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये टर्म आ गई, ये लो। क्या स्टेप क्लियर है? ऐसे निकलेगा एंगल, लास्ट टाइम किया था, शीट में एग्जाम्पल भी था, इसका चेक करो। तो मैग्नीट्यूड के केस में ये वैल्यू आ गई, अब आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ सिक्स, इसमें क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ सिक्स, तो न्यूमिनेटर में क्या आ गया, थ्री बाय सिक्स यानी कि वन बाय टू, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय टू, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। मुझे लगता है शीट के अंदर डाला हुआ क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? फिफ्थ रहने दो प्लीज, फिफ्थ आप कर लोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ऐड कर देना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स करना है, चेक करो। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसमें दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, एंड बी वेक्टर गिवन है माइनस सिक्स आई कैप प्लस नाइन जे कैप माइनस 12 के कैप। मुझे प्रूव करना है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। मुझे प्रूव करना है कि आपस में नाइन कितना एंगल पैरेलल है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो आपस में ये पैरेलल है कि नहीं, ये काम करते हैं, हम एंगल निकाल के देख लेते हैं। और एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इनटू बी। तो मैंने ना ऐसे करके देखा, टू आई कैप थ्री जे कैप फोर के कैप डॉट, बी वेक्टर में माइनस सिक्स आई कैप नाइन जे कैप ट्वेल्व के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर एंड फोर का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड माइनस 12 का स्क्वायर। अब जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था ना, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 12 आया, यहाँ से माइनस 27 आया, यहाँ से माइनस 48 आया, ऐसे हो गया। ठीक, तो ये वैल्यू आई, और डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म आ रही है इसमें अंडर रूट में, अब कैलकुलेट कर लेना जो भी आया। पर मैं प्रूव कितना आ रहा है, रूट 29 इंटू रूट रूट, ठीक ऐसे आ रहा है। अब इससे कुछ निकला नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़ी आ रही है, मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये पैरेलल है कि नहीं, कैलकुलेशन बड़ी है, मैं कर सकता हूँ सॉल्व, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे पास एक आसान तरीका है, इतनी लंबी कैलकुलेशन की जगह अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं ये चेक करना है, तो ये बताओ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा,
देखो पैरेलल का मतलब होता है एंगल उनके बीच में क्या आना चाहिए, जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, मानते हो? एक काम करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के देखते हैं। और ये निकालने का तरीका, आए माइनस जे और के, लिखो टू माइनस थ्री और फोर माइनस सिक्स नाइन और कितना माइनस, दो मिनट के लिए सब आगे देखेंगे। आई कैप इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना, आई कैप इन टू 36 माइनस 36, 36 माइनस 36 माइनस जे कैप इन टू 24 माइनस 24 माइनस 24 के कैप इन टू 18 18, आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, जीरो। डन, पैरेलल है, पेन को हाथ नहीं लगाने की जरूरत, सीधा ही आंसर पैरेलल हो गया। पॉइंट समझ में आया, घर जाके कर लेना। इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा ना, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, जीरो। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया, मैंने ओरली करके देख लिया, वैल्यू सेम ही तो आ रही है लेफ्ट और राइट के, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो एंगल यानी कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, सही है। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, तो यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और अगर पैरेलल चेक करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, सबसे आसान यही तरीका है। तो याद रहेगा कि परपेंडिकुलर में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और पैरेलल में परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट और पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको करने का तरीका देख लो एक बार। आपको ये गिवन है कि अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं ए कैप एंड बी कैप, और एट एन एंगल ऑफ थीटा गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 के इक्वल है। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है यहां तक। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज को समझते हैं। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में लिखा जाता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालो, तो मुझे समझ में आता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी कि अल्टीमेटली मुझसे क्या पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं पता है क्या लिखूंगा, आर की वैल्यू बोलो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, कोई डाउट इसमें? तो आज के बाद अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड लगाओ तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख देना है। सिमिलरली अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गिवन हो मॉड के साथ, इसका मतलब वो आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहे, और हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसको कैसे रीड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू, और ऐसी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू। तो वैल्यू पूछ रहे हैं वो आपसे क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मेरे को यहां पे क्या पूछ लिया गया, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। तो एक काम करते हैं हम ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये गिवन है, बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड होता तो क्या बोलते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसमें क्या बोलेंगे, ए कैप का स्क्वायर, नहीं, ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, बी कैप का मैग्नीट्यूड इज 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि ए वेक्टर होता तो ए की वैल्यू मुझे गिवन नहीं, तो ए स्क्वायर, ए कैप की वैल्यू तो मुझे मालूम ही है कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना, cos थीटा। ये स्टेप समझ में आया कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पर यहां ए कैप है तो ए कैप की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 2 माइनस 2 cos थीटा, या फिर अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस cos थीटा। यहां तक ये स्टेप क्लियर है? फिर हमने जब इंटीग्रेशन की थी तो इंटीग्रेशन में मैथ्स का एक फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला था cos ऑफ 2 थीटा का cos ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, तो जिनको नहीं याद प्लीज याद कर लें, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है, cos ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू, मैंने इसको मॉडिफाई करके दिखाया था,
मैंने लिखा था इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, याद है? तो ये फॉर्मूला मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसा दिखेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है यहां तक? या फिर ऐसा करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ये फॉर्मूला बन गया इसका। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं कॉस ऑफ एंगल 2 थीटा लेता हूं तो ये एंगल हाफ हो जाता है थीटा, अगर मैं यहां पर एंगल ही थीटा लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हाफ हो जाएगा थीटा बाई टू। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई टू। तो ये मैथ्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पुट करते हैं जो कि कितनी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का अंडर रूट, तो 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू आपके पास आंसर आएगा। कि ये जो वैल्यू हमने निकाली, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो जब अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, मतलब इसको मैथ्स के बिना सॉल्व नहीं कर सकते, चलिए डाउट क्लियर है यहां तक? मैथ्स में तो कई लोगों ने कर लिया होगा ये फॉर्मूला, वैसे जिनके पास नॉन मेडिकल है। अच्छा नहीं किया, हो जाएगा अभी आ जाएगा, नहीं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपने आपको मैंने लिख के दे दिया फॉर्मूला, तो अब प्रैक्टिस से याद आ जाएगा कि कैसे करना है। ये देख ले, मैं 1 माइनस कॉस थीटा पुट करूंगा यहां पे, एक मिनट, तो 2 1 माइनस कॉस थीटा है हुआ है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 इंटू 2 अंडर रूट से 2 आ गया, साइन स्क्वायर का सिर्फ साइन बच गया, ये लो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ साइन आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, पर क्योंकि मेरे को कॉस थीटा चाहिए था तो मैंने थीटा किया, तो यहाँ आधा एंगल करके पुट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन है, आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेट 1/4 मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ये क्लियर है? तो ये देखो 1/4 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर है तो रिजल्टेंट का भी स्क्वायर है, इसकी जगह बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसे टर्म लिखनी पड़ेगी इसे, मॉड आया तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसल, तो 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी कॉस थीटा, ये कैंसल हो गया, 1/4 इंटू 4 ए बी कॉस थीटा, 4 से 4 कैंसल, तो ए बी कॉस थीटा इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वैल्यू भी पुट की है, वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व किया, कोई डाउट इसमें? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 9th में गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो सबसे पहली बात ये कि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, अगर ये आई प्लस जे होता, ये आई माइनस जे होता, तो मैं ब्रैकेट को ओपन ही कर सकता हूं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ए वेक्टर डॉट नहीं छोड़ना, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर उसके बाद प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ओपन कर लिया ब्रैकेट, नहीं कर सकते। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता फिर तो वेक्टर लगे हुए हैं ना, ये अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता फिर लगता, वैल्यूज थी, वेक्टर के साथ नहीं कर सकते, डॉट को ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, आपको ओपन ही करना पड़ेगा। अब देखो a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है, जीरो, माइनस बोलो कितना, a b और सपोज एंगल इनके बीच में कितना है, थीटा, हमने फॉर्मूला किया था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, प्लस यहां पर क्या आएगा, b a कॉस थीटा, यहां पे क्या आएगा बोलो, b b एंगल क्या होगा इनके बीच में, जीरो, थीटा नहीं जीरो क्योंकि एंगल एक वेक्टर का खुद के साथ जीरो, तो यहां पर क्या आएगा, a इंटू a का स्क्वायर, क्योंकि कॉस जीरो तो वन होता है, ये टर्म इससे क्या हो गई कैंसल, और वहां से क्या आएगा b का स्क्वायर, तो आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा दिया था मैंने, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? वो गलती से डबल मॉडुलस लग गया, वो है नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 10th है ना उसको ऐसे लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस, ये ना ए की मॉड है, दो मॉड नहीं है, असाइनमेंट में गलती से दो मॉड लग गए, बस ये ऐसे ही है, ये रहा। तो मुझे बताओ कि ए डॉट बी होता क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, मॉड का मतलब ओनली वैल्यू, बोलो वैल्यू में क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्शन तो लेंगे नहीं बिकॉज मॉड लगा हुआ है, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर क्या आएगा, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, तो आंसर इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है यहां तक? और लास्ट 11th क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज।
लास्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट सबको क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में अ वेक्टर ए वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6, एंड डायरेक्शन कहां पर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो बोलो ए वेक्टर को क्या लिखें? 6 आई कैप, वेक्टर बन गया 6 आई कैप, राइट। उसके बाद बी वेक्टर, बी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 एंड इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर गिवन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो मुझे बताओ इसका एक कॉम्पोनेंट एक्स में क्या आएगा? 4 into cos of 30, और वाई में बोलो क्या आएगा? 4 into sin of 30, तो बी वेक्टर क्या होगा? 4 into cos of 30 के पीछे आई कैप एंड 4 into sin of 30 के पीछे जे कैप, आई कैप और जे कैप, गुड आउट इसमें, तो बी वेक्टर लिखना आ गया, बी वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। ठीक, बी वेक्टर को थोड़ा ठीक तरह करके लिखते हैं, 4 into cos of 30 क्या होता है? √3/2 आई कैप और 4 into 1/2 जे कैप, तो बी वेक्टर को लिखा जा सकता है 2√3 आई कैप एंड 2 जे कैप, ये बी वेक्टर है और वो ए वेक्टर है। ठीक, सिंप्लीफाई कर लिया इसे, हमने क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैट्रिक्स बनाए, ये आई, ये माइनस जे और ये के, ए वेक्टर हमारा किसके इक्वल है? 6 आई कैप, तो एक काम करो इसका कोफिशियंट बोलो 6 0 0, और बी वेक्टर का कोफिशियंट 2√3 2 and 0, सो सिंप्लीफाई कर लो, आई कैप तो 4 नंबर है, 1 2 3 4, 0 into 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस जे कैप इन दो नंबर को छोड़ देते हैं, तो 6 into 0 माइनस 0 into 2√3, तो ये भी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और प्लस के कैप into 6 into 2 12 माइनस 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा 12 के कैप। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? आपने ए वेक्टर को लिख लिया, बी वेक्टर लिख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो बस, वो तो आता ही आपको, तो इसमें कुछ है ही नहीं, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, घर जाके ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे ना अपने घर जाके, एक बार हो जाएगा सॉल्व। अब होमवर्क क्या करना है ये सुन लो, होमवर्क में सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 23 तक करने हैं बस, बाकी नहीं होंगे, 23 सब्जेक्टिव 9 का क्वेश्चन नंबर 23 तक करना है, और सब्जेक्टिव 8 में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, बाकी सारे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, बाकी सारे करने हैं, राइट। तो ये कम से कम होमवर्क है जो नेक्स्ट टाइम सबका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शीट्स मैंने आपको दी हैं, लेकिन हम क्लास में नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कोई करना चाहता है तो कर ले, बट मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूंगा।